हम इस समय यूपी गेट पर हैं और यूपी गेट पर आज सुबह की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो किसान यूनियन के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद यहाँ पर यज्ञ किया जा रहा है। क्या ये कहना है कि सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ हम करते हैं? 2018 में किसान क्रांति हरिद्वार से चली थी। बड़ी संख्या में किसान थे, किसान दिल्ली जाना चाहते थे 2 अक्टूबर के दिन गांधी जी की समाधि पर पुष्प अर्जित करने के लिए, लेकिन किसानों को इसी यूपी गेट पर रोक लिया गया। दिल्ली पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए और किसानों के साथ यहां पर किसानों का कहना है कि उनके साथ यहां पर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई किसान घायल हो गए थे। 2018 के बाद हालांकि किसान आंदोलन भी हुआ, लेकिन 2018 को किसान इसलिए याद रखते हैं क्योंकि यहाँ पर किसानों के साथ लाठीचार्ज हुआ था। तो इसलिए हर वर्ष 2018 के बाद हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गांधी जयंती के दिन यहाँ पर ये यज्ञ किया जा रहा है। इस यज्ञ का अर्थ जानते हैं भारतीय किसान यूनियन के जो लोग हैं, वे हमारे साथ हैं, आपसे जानेंगे कि इस यज्ञ का अर्थ क्या है। इस यज्ञ का अर्थ यही है कि 2018 में किसान क्रांति यात्रा हरिद्वार से चली ट्रैक्टरों के साथ में, और हमें आज के दिन 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती और शास्त्री जी की जयंती है, तो हमें गांधी जी की समाधि पे पहुंचना था। और आज के दिन जो है दिल्ली पुलिस ने हमारे साथ यहाँ बर्बरतापूर्व जो कार्य किया, हमारे साथ में लाठीचार्ज की गई, अश्रु गैस छोड़ी गई, गोलियां चलाई गई और हमारे ट्रैक्टर तोड़ दिए गए, तो जो है हमें यहाँ रोक दिया गया। उसके बाद में हमारे 5 आदमी हम यहाँ बैठ गए। अगले दिन जो है हमारे 5 आदमी जो है वहाँ समाधि पे भेजे गए। इस यज्ञ के मतलब से आप सरकार के पास क्या संदेश भेजना चाहते हैं? सरकार के पास ये संदेश भेजना चाहते हैं कि हमारे साथ में किसानों के साथ में जो गांधी जी के समाधि पे जा रहे थे सीधे सच्चे चलते हुए, उन्हें रोका गया और उनके साथ में इस तरह का व्यवहार किया गया, बर्बरतापूर्ण जो व्यवहार किया गया, उसे किसान याद रखते हैं, इस दिन को भूले नहीं। 18 से हम उसी दिन से यहाँ हवन करते हैं और किसान यहाँ हर साल इकट्ठा होता है, जिससे इस दिन को भूल ना पाए। किसान यहाँ हर साल इकट्ठा होता है, आप लोग हर साल यहाँ से यहाँ आते हैं। आप किस गांव से आए, कहाँ से आए हैं? रजापुर गांव से आए। रजापुर गांव से आए, तो अब आज ये बुद्धि शुद्धि जो यज्ञ किया जा रहा है, क्या मतलब है इसका? इससे सरकार का जो है वो बुद्धि सही हो, इसलिए हर साल इसी तारीख को हम लोग यहाँ यज्ञ करने आते हैं। आप कहाँ से आए? गाजियाबाद से ही है, राजनगर एक्सचेंज से। हमारी 2018 में किसान क्रांति यात्रा हरिद्वार से चल के आई थी, पैदल यात्रा थी हमारी। तो जब हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पे पहुंचे, हमें पहुंचना था वहाँ पे गांधी जी की समाधि स्थल पे, तो प्रशासन ने हमारे से हमें यहाँ पे रोका। हमारा बड़ा संघर्ष रहा यहाँ किसानों का और प्रशासन का, आपस में बहुत बड़ा संघर्ष रहा। तो उस संघर्ष को याद करते हुए हम लोग यहाँ पे हर साल हमन करते हैं, जिससे सरकार को भी ये रहेगी कि हमारी ये याद ताज़ा हो जाती है, हमारी आस्था जुड़ी हुई है यहाँ पे, क्योंकि तो यहाँ पे फिर 13 महीने हमारा किसानों का बड़ा आंदोलन रहा, देश का बड़ा आंदोलन था, तो हमारी यादें बहुत जुड़ी हुई हैं। यादें बहुत जुड़ी हैं। आप कहाँ से आए? मैं शामली से आया हूँ, जिला शामली। क्या कहेंगे आज के दिन? देखिए, बात यह है कि हर साल जैसे 2018 में जब यहाँ पर हमारे किसान आए थे, तो जो पुलिस ने हमें मार पिटाई की, हमारे साथ लाठी डंडे चलाए, तो इसलिए हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि किसान एक शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना जानता है और हम शांतिपूर्ण तरीके से ही आए थे। तो हर वर्ष की बात ही, इस वर्ष भी हम यहाँ पे जो है हमन कर रहे हैं और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अपने दिमाग को ठीक रखे सरकार, क्योंकि सरकार जो किसान के साथ रवैया करती है, सरकार क्या कर रही है, किसान को भी असली नकली बना रही है। जिसके पास जमीन है, जो जमीन उगाता है, मजदूर है, वो किसान ही तो है, लेकिन सरकार को पता नहीं कौन सा इनका सांप डस गया है, इनको ये पता नहीं लग रहा कि ये किसान है। क्योंकि यहाँ पे इसी बॉर्डर पर जब 13 महीने आंदोलन चला, हमने 750 किसानों की शहादत यहाँ पे दी, उसके बाद जाकर के हम 13 महीने जो आंदोलन चला था, उस आंदोलन को हमने कवरेज किया था। ये ताऊ जी थे, इनके हाथ में देखे टिकैत सेना का ये जो डंडा है आपके हाथ में, इसकी वजह क्या रही है? डंडा हाथ में किसान के हाथ में तो हाल अच्छा लगता है। 3 कानून वापस कराने के लिए ये डंडा हाथ में लेना पड़ा। डंडा नहीं, हिंसा थोड़ी ना किसान करता है, किसान तो हल चलाता है, हमारी रक्षा करता है, ये हम इस रक्षा के लिए अपने पास रखते हैं ये डंडा। हाँ, इस पे क्या लिखा है? इस पे लिखा है टिकैत सेना, ये जितनी आदमी खड़े ये सब टिकैत की सेना है।
टिकैत ने ही हमें ये काम दिया हाथ में, और ये 2 अक्टूबर को जो है इन लोगों ने हमें यहाँ रोका, समाधि पे नहीं जाने दिया। इसलिए जब से हम यहाँ हवन करते हैं, हर 2 अक्टूबर को हवन होता है हमारा। ठीक है, हर 2 अक्टूबर को हवन होता है। वहीं सामने की तरफ की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस यहाँ पर अलर्ट है, उत्तर प्रदेश जो पुलिस है वो भी यहाँ पर इस समय मौजूद है काफी संख्या में। अगर देखा जाए तो जो किसानों का जुटना है यहाँ पर शुरू हो गया है, और किसान हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ यूपी गेट पर पहुंचे हैं, और पहुंचने के बाद यहाँ पर एक हवन कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि सरकार की आंखें खोलने के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ यहाँ पर 2018 के बाद हर वर्ष की तरह इस बार भी किया जा रहा है। गाजियाबाद से एबीपी न्यूज के लिए मैं शक्ति सिंह। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Nayab Singh Saini of BJP or Bhupinder Singh Hooda from Congress? Will turn the tables this time? Haryana में मौजूद हैं हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.